विष्णुदेवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय आत्मदेवाय आत्मदेवाय चैतन्य देवाय चैतन्य देवाय साक्षात देवाय साक्षात देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय साक्षात देव। एक होता है परोक्ष, दूसरा होता है अपरोक्ष और तीसरा होता है साक्षात अपरोक्ष। जैसे स्वर्ग है तो उसको हम परोक्ष बोलेंगे। अमेरिका जिसने नहीं देखा उसके लिए अमेरिका परोक्ष है। लेकिन जिसने रजोगुड़ी में जो बैठे हैं इनके लिए रजोगुड़ी अपरोक्ष है, परे नहीं है। लेकिन वो परमात्मा परोक्ष भी नहीं है अपरोक्ष भी नहीं है, वो साक्षात अपरोक्ष है। रजोगुड़ी जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए रजोगुड़ी परोक्ष है, जिन्होंने देखी है उनके लिए रजोगुड़ी अपरोक्ष है। तो भगवान ऐसे नहीं है कि भगवान अपरोक्ष हो गए या भगवान परोक्ष है, भगवान साक्षात अपरोक्ष है। ध्यान देना, अगर स्वर्ग आपने नहीं देखा है तो परोक्ष है, स्वर्ग में गए तो अपरोक्ष हो गया स्वर्ग। ये तो परमात्मा जो है वो साक्षात अपरोक्ष है। हमारी आंखें जिस चीज को देखती है या तो अपरोक्ष है या तो परोक्ष है, लेकिन परमात्मा न अपरोक्ष है न परोक्ष है, परमात्मा साक्षात अपरोक्ष है। कि परमात्मा की सत्ता से आंखें देखती है और परोक्ष अपरोक्ष की स्थिति बनती है। तो अपना जो आपा है जिसको बोलते हैं सो साहिब सद सदा हजूरे अंधा जानत ताको दूरे। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर सबका अंतरात्मा बनकर बैठा है। भ्रामंति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी मायाया। जैसे साइकिल पर बैठे तो साइकिल की गति से आदमी भागता है, बाइक पर बैठा है स्कूटर पर बैठा है तो उसी गति से भागता है, और जहाज में बैठा है तो उसी गति से यात्रा होती है। ऐसे ही जो शरीर में बैठे हैं, मन में बैठे हैं, कुविचार में बैठे हैं, सुविचार में बैठे हैं, सत्कर्म में बैठे हैं, व्यर्थ कर्म में बैठे हैं, तो जिसका मन जहां बैठा है वैसा ही वो भ्रमण कर रहा है सुख के लिए। और सुख तो झलक मात्र होता है, जिम्मेदारी और दुख ही रह जाता है बेचारे को। क्योंकि जो साक्षात अपरोक्ष सुख स्वरूप है उधर को गति नहीं हुई। उधर को गति करने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर फकीरों के द्वार जाते। मौलाना जलालुद्दीन रूमी नवाबी ठाट से रहते थे, अच्छी खासी संपदा के धनी थे, और बड़ा स्विमिंग पूल ये वो जमाने में। लेकिन सब कुछ भोगने और देखने के बाद भी लगा कि आयुष्य तो नष्ट हो रही है। जलालुद्दीन 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 आखिर क्या कब तक। तो अच्छे अच्छे फकीरों के ग्रंथ अध्ययन करते और उनको फकीरी का रंग कैसे लगा
तो ऐसा नहीं कोई साधारण आदमी फकीर हो जाते हैं, बड़े बड़े घराने के लोग फकीर हो जाते हैं, जैसे बुद्ध है या कोई नगर सेठ का बेटा है या कोई कुछ है या कोई मेरा एक दोस्त है संत बन गए, आईएएस ऑफिसर थे और बड़ा अच्छा नाम था, संत बन गए, पिछले 50 साल से वो साधु है, आईएएस हुए, नौकरी ज्वाइंट की और कुछ महीने नौकरी की बस रिजाइन करके संत बन गए, अभी 80 साल के हैं, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। तो जिनका विवेक जगता है कि कमाया खाया खाया कमाया इकट्ठा किया और वाह वाही की, लेकिन आखिर आयुष्य तो नष्ट हो रहा है और ये जो जो कुछ है वो छूट जाएगा और ये शरीर भी छूट जाएगा, उसके बाद भी हम रहेंगे तो हम कौन है और हमारा भविष्य कैसे हम संवारे बंद। तो फिर वो साक्षात अपरोक्ष की खोज के लिए पहले मंदिरों में पूजा स्थलों में सत्कर्मों में लगते 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 बुद्धि उनकी ऊंची हो जाती है आध्यात्मिकता में, तो फिर उनकी तड़प बढ़ जाती है। जैसे मोरारजी देसाई थे, तो मेरा शिकागो में प्रवचन था गणेश टेम्पल में, वहाँ मोरारजी भाई देसाई बोले हम आईएएस ऑफिसर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर हुए और प्रधानमंत्री पद उस समय तो चालू थे, तो प्रधानमंत्री पद में भी वो हमें शांति नहीं मिली जो रमण महर्षि के चरणों में बैठने से मिली। तो आपका जो साक्षात अपरोक्ष चैतन्य है उसमें जो सुख है, उसमें जो शांति है, उसमें जो सामर्थ्य है, उसी से सारा आपका काम चलता है और सारी सृष्टि का मूल वही है साक्षात अपरोक्ष। उस साक्षात अपरोक्ष को नहीं जानते इसीलिए सब कुछ करा कराया व्यर्थ हो जाता है। आप अपने शरीर को मैं मानेंगे और वस्तुओं को मेरी मानेंगे, लेकिन मृत्यु का झटका आया तो जिसको मैं मानते हैं वो तो आपका यहीं पड़ा रह जाएगा, जिसको मेरा मानते हैं वो भी यहीं पड़ा रह जाएगा, और फिर भी आप हैं तो आप कौन है? पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया सुत जाना है, त्रिया माना पत्नी सुत, कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है, सत्य का संग करो। तो सत्य क्या होता है? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, जो सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और जिसका अंत नहीं है वो परमात्मा ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान अनुभव पा लिया तो साक्षात अपरोक्ष हो गया। सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी कहते हैं मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछा। फिर ये भी आता है नानक सतगुरु बेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे वे। मृत्यु आएगी तो जीवन भर की एफडिया मकान दुकान अपनी चैनल अपनी फैक्ट्री अपना पद सब मृत्यु के झटके में पराया हो जाएगा, क्योंकि जो साक्षात अपरोक्ष है उसका पता नहीं है, परोक्ष और अपरोक्ष में उलझ रहे, साक्षात का पता नहीं है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर करने में भी आदमी खुले दिल से बात करने में भी बेचारे अचकते, विश्वसनीयता टूट गई कि बड़ी टूट गई, मनुष्य मनुष्य के बीच फासला हो गया, न जाने क्या बोलेगा, न जाने कैसा करेगा, कितना लेगा कितना काटेगा क्या दिखाएगा। तो मनुष्य मनुष्य के बीच ये खाइयां बढ़ती जा रही तो बड़ा दुर्भाग्य है।
जातिता से खाई, प्रांतिता से खाई रहा, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है, हम फलाने डिस्ट्रिक्ट है फलाने। हाँ, सेवा के लिए डिस्ट्रिक्ट बांटो अलग बात, तहसील बांटो अलग बात है, लेकिन स्वार्थ के लिए तहसील बटे, गांव बटे, जाति बटे, बटे 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 में आदमी परेशान हो जाए। वास्तव में सब में एक है, सब सुख रूप परमात्मा की परम सत्ता में लहराने वाले लाल हैं, चाहे किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो। तो उसे दूर 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 होते होते इतने के पति पत्नी भी एक घर में रहने वाले भी एकत्व नहीं जान समझ सकते। अब प्रकृति की गहराई में एकत्व है, तो दुख प्रकृति नहीं देती, दुख परमात्मा नहीं देते, दुख हम बेवकूफी से क्रिएट कर लेते। ये बेवकूफी वैदिक ज्ञान से जल्दी मिटती है, बाकी तो कितने भी कायदे बनाओ, विदेश में हमसे भी ज्यादा लोग दुखी है। अभी तो आप इतने शांति से बैठे हो ना, विदेश में इतने लोगों को बिठाना हो तो बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। अमेरिका गए तो यहाँ तो हम आए और लोग चुप बैठे, यहाँ तो क्या लाख लाख आदमी होते, आए हरिओम चुप हो गए, वहाँ तो एयर कंडीशन हॉल फलाने ढींगने बड़ी व्यवस्था करते हैं, अमेरिका में या यूरोप में जहाँ भी मेरे सत्संग हुए। लेकिन वहाँ गाड़ी तात्विक ज्ञान की तो गाड़ी कभी कभी चलती, बाकी तो केजी और मिडिल क्लास तक का ही आध्यात्मिक होता है। यहाँ तो हम आपको एकदम टॉप में ले जाते हैं। ये भी बड़े सत्संगों में ये बात नहीं चलती साक्षात अपरोक्ष की, ये आज ही तुम पहली बार सुन रहे हो, परोक्ष अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष। तो परमात्मा साक्षात अपरोक्ष है, जिसका एक सेकंड भी वियोग न हो उसको बोलते साक्षात अपरोक्ष, जिसको आप कभी छोड़ न सके और जो आपको छोड़ न सके वह साक्षात अपरोक्ष है। लेकिन भरम हुआ है कि वो मर जाएंगे तब मिलेगा, कहीं दूरी होगा, क्या करे तब मिलेगा। कबीर जी ने ऐसे लोगों को बहुत ऊंची बात कह दी, भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव कोस घर आए। जैसे अपने पैरों तले मिट्टी है, पैरों तले ही अपना गहना अथवा अंगूठिया हीरा दबा है, ऐसे अपने हृदय में अपना साक्षात अपरोक्ष ईश्वर है, जो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है। ओ बड़े कीमती हीरे आपको मिल गए, प्रमोशन का लेटर मिल गया, आपको रोज के 2,00,000 रुपये आमदनी होगी, ऐसा आपका सौदा का लेटर मिल गया, महीने में 60,00,000 मिलेगा, ऐसा हो गया, या महीने में 2 करोड़ आमदनी होगी, वो लेटर लेके आप कितनी देर बैठोगे, छूट जाएगा। हीरे जवाहरात कितनी देर पकड़ोगे, परोक्ष नहीं अपरोक्ष है, लेकिन साक्षात अपरोक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष तो आत्मदेव है, तो ये परोक्ष अपरोक्ष सब छूट जाएगा। साक्षात अपरोक्ष में आओगे तब दूसरे दिन काम करने की लायकत होगी, नहीं तो नालायक हो जाएंगे। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा, पकड़ रखो चलाना जाए, छूट जाएगा ना। कितना भी आप अपरोक्ष या परोक्ष को पकड़ो छूट जाएगा, लेकिन कितना भी साक्षात अपरोक्ष को छोड़ो तो नहीं छूटेगा। और साक्षात अपरोक्ष के बल से ही परोक्ष अपरोक्ष का व्यवहार चलता है, और उसमें प्रत्यक्ष का भी व्यवहार चलता है। जैसे ये वस्तु प्रत्यक्ष है, किसी के लिए प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण, ये कोई परोक्ष ही।
लेकिन आत्मा परमात्मा देव साक्षात अपरोक्ष है। नींद आती और स्वप्न आया और सपने में रेलगाड़ी बन गई, पैसेंजर बन गए, हरिद्वार बन गया, गंगा जी बह रही है कल कल छल छल। अब गंगा जी में नाना है तो मन में विचार अंदर आया और गंगा जी बाहर दिख रही है, लेकिन अंदर बाहर दोनों ही सपने में दिख रहा है, अंदर भी दिख रहा है बाहर भी दिख रहा है। और फिर दिमाग में ये भी दिख रहा है कि अब गंगा जी को नहा के फिर मेरे को तो पानीपत पहुंचना है। बोले मैं तो भाई दिल्ली जाऊंगा, तो आप जरा मैं पानीपत छोड़ता हुआ दिल्ली निकल जाऊँ। बोले नहीं नहीं मैं अलग से जाऊँगा, तुम चले, मैं दिल्ली से जहाज पकड़ूंगा अहमदाबाद जाऊँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा मुंबई जाऊँगा। तो ये मुंबई वहाँ भी दूर नजीक है, लेकिन उस समय भी आत्मदेव तो वही का वही है। हद हो गई यार, जिस हाजरा हजूर है, आदि सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत, और वही दिखता नहीं है। आए, आए। सुन सुन बत्तियां आए मोए हांसी, पानी बीच मीन प्यासी। ये कैसा अभागा मन है, कैसी अभागी दुनिया। सब कुछ भूल के छोड़ के जाते हो, तब सब कुछ करने की योग्यता रोज जहां से लाते हो, जहां से सब कुछ मिलता है वही पराया लग रहा है। जिससे सब कुछ होता है वही पराया लग रहा है। और इंच का हजारवां ऐसा जो दूर नहीं है वो दूर दिख रहा है कि मर जाएंगे कहीं साथ में अरस पे होगा अल्लाह, जरा तो रहम करो, सर्दी लग जाएगी ऑक्सीजन की कमी में, बेचारे अल्लाह को क्या क्या करना पड़ेगा। भगवान यूं करते यूं करते तो बाबा फिर सभी लोग तो बोलते हैं भगवान के पास जाएंगे, यूं आप भी बोलते हो हे प्रभु। हाँ, तो ये नीचे के केंद्रों में अनुभव नहीं होता, ऊपर के केंद्रों में होता है, इसीलिए हाथ स्वाभाविक ऊपर उठते, इसीलिए भगवान को ऊपर की भावना की जाती। बोले हिंदू लोग ऐसे हाथ धोते हैं, एक काफर लोग तो अपन ऐसे धो, ठीक है। तो हिंदू लोग हे भगवान ऐसा करते, तो आप ये अल्लाह ऐसा करो, नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह का नाम पाक है, और जब पाक विचार आएंगे तो हाथ ऊपर ही होंगे। गुस्सा करोगे नापाक विचार करोगे तो हाथ पैर नीचे, लेकिन पाक विचार करोगे तो हाथ यूं ही जाएंगे। जो पाक के केंद्र ऊपर है, नापाक के केंद्र नीचे है। तो यात्रा करने जाते हैं शैतान को तो इन पत्थर ठोकते, तो वहां का शैतान क्या है, शैतान भी यहां छुपा है। और फिरस्ता भी यहां छुपा है। जब सद्भाव सत्कर्म करते तो फिरस्ता जागृत होता है, सात्विकता, और कुभाव कुकर्म करते तो शैतान की वृत्ति चालू हो जाती, नहीं होती क्या। लेकिन वो शैतान और फिरस्ता दोनों हो के चले जाते, फिर भी साक्षात अपरोक्ष तो ज्यों का त्यों रहता है। खाली उसको जान ले यार, तेरा तो भला हो जाएगा, तेरी नजर पड़ेगी ने वो भी महान आत्मा बन जाएंगे। तू उसको जान ले, फिर कोई पापी का मुर्दा जल रहा है और तेरी नजर पड़ेगी तो मुर्दे की दुर्गति कैंसल हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। तू इतना महान ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, तुम्हारी दृष्टि में वो ब्रह्म ज्ञान का अमृत आ जाएगा। न दूरे न दुर्लभ, वो परमात्मा दूर भी नहीं दुर्लभ भी।